बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अज़्हा बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूवर्स को, तमाम फ्रेंड्स को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को ईद उल अज़्हा बहुत बहुत मुबारक। ओके, नमाज की तरफ निकल रहे हैं और आज हम आपको चाइनीज़ मस्जिद और चाइना के अंदर नमाज कैसे अदा होती है ये भी वीडियो के अंदर बताएँगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जज़ाकल्लाह। ये घर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम अभी टैक्सी लेंगे। मस्जिद हमारी तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, हमने टैक्सी लेके मस्जिद पे जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7:15 का टाइम है चाइना के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सी मिल चुकी है और हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हमारा सफ़र हो गया तकरीबन 30 मिनट्स का और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। अल्लाह के फजल करम से 30 मिनट का सफ़र पूरा हो चुका है और मस्जिद के बाहर उतर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मस्जिद की एंट्री पॉइंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ़ हलाल चीज़ें भी सेल की जा रही हैं और बहुत सारे नमाजी विद फैमिली मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये आप चाइनीज़ फीमेल का गेटअप देख सकते हैं। ये मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी बनी हुई, बहुत खूबसूरत बनी हुई मस्जिद। और ये आप मस्जिद का अहाता आ जाता है जहाँ पे नमाजी नमाज अदा करते हैं। और बहुत बड़ी मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे नमाजी नमाज अदा कर चुके हैं, अब खुतबा सुन रहे हैं। अल्लाह पाक से अपने तमाम दोस्तों के लिए स्पेशल दुआएं की हैं, तमाम दोस्तों को अपनी दुआ में याद रखा है। और ये इमाम साहब हैं जो अब दुआ करने वाले हैं। नमाज कंप्लीट हो चुकी, अब ये नमाजी नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। आप कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से ईद मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक है आपको, ईद मुबारक है। मुबारक है, मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। दोस्तों वगैरह से ईद मिलने के बाद अब फाइनल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा। और बहुत प्यारे मुखलिस दोस्त डॉक्टर आबिद एंड डॉक्टर अली, अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे, हमेशा काम आते हैं चाइना के अंदर। और ये अपनी नमाज अदा करने के बाद वापस रवा दवा, टैक्सी ले चुके हैं और वापसी की तरफ रवा दवा हो चुके हैं। तकरीबन 30 से 32 मिनट का सफ़र है और वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। अब डायरेक्ट अपने काम वाली जगह पे जाना है, अपने रेस्टोरेंट पे। और ये जो आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके 7 फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है। अभी दरिया क्रॉस हो रहा है, दरिया की दूसरी साइड पे मस्जिद थी। फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आई हैं और ये बिल्डिंग देखें ज़रा, वुहान की सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये हमारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद ये लिफ्ट में दाखिल हो रहे हैं। और ये हमारा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुल्तान की एडवर्टाइजमेंट लिफ्ट के अंदर, 7th फ्लोर पे हमने जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 7th फ्लोर आ चुका है।
ग्रीन लैंड शॉपिंग सेंटर के अंदर 7th फ्लोर पे बहुत ही प्यारा ग्रीन ग्रीन सा बना हुआ है ये शॉपिंग सेंटर, और ये 7th फ्लोर पे ग्रीन लैंड शॉपिंग सेंटर पे हमारा रेस्टोरेंट जिसका नाम मुल्तान पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी खानों का रेस्टोरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अपने रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं, अब रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह डिनर के अंदर हमने बूफे लगाया हुआ है पाकिस्तानी डिशेस का, और अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे पाकिस्तानी इस खाने को एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रेस्टोरेंट में हाउसफुल रेस्टोरेंट है, बढ़ चुका है कस्टमर के साथ, और डाइनिंग एरिया भी फुल है। अल्लाह पाक मेरे तमाम दोस्तों को सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।